नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूँ आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। हमारा देश संस्कृति और सभ्यता का देश है। यहाँ हम महज देवी देवताओं को ही नहीं बल्कि प्रकृति को भी पूजते आए हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों या फिर नदियाँ। हमारी परंपरा ही तो है जो हम अपनी नदियों को भी माँ कहकर पुकारते हैं और उनकी आरती भी करते हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विगत कई वर्षों से आदि गंगा माँ गोमती की आरती का सिलसिला लगातार जारी है। इस भव्य आरती का आयोजन सनातन महासभा भारत द्वारा हर महीने की 17 तारीख को किया जाता है। इस भव्य और धार्मिक आयोजन में महज आरती ही नहीं बल्कि व्यवस्था अनुसार संक्षिप्त कृष्णलीला, रामलीला और अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कल भी 17 अक्टूबर को अपनी परंपरा के मुताबिक माँ गोमती तट पर माँ गोमती आरती का आयोजन किया गया। इस मौके पर संक्षिप्त रामलीला मंचन कर लोगों को भाव विभोर कर दिया गया। कार्यक्रम में पत्रकारिता में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सी न्यूज भारत के मुख्य संपादक पवन शर्मा और संपादक उत्तर प्रदेश गौरव श्रीवास्तव और साथ ही साथ कई समाज सेवियों को सनातन शिरोमणि सम्मान से नवाजा गया। इस मौके पर सनातन परंपरा को मजबूत करने के लिए लोगों को कृपाण धारण कराए गए और आने वाले समय में तलवार धारण कराकर युवाओं को सनातन रक्षक के रूप में समाज में फैलाने की बात भी कही गई। इस मौके पर बोलते हुए सनातन महासभा के संयोजक विकास मिश्रा ने सी न्यूज भारत से बात करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि हम अपने सनातन धर्म के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें और जो लोग हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे जुलूसों पर पत्थर फेंक रहे हैं, उनको सही उत्तर दिया जाए। जैसा कि आपको मालूम है 130वीं आज माँ गोमती माँ आरती है और हम लोग का ये प्रयास रहा है कि हम लोगों को एकता और अखंडता के सूत्र बांधें, क्योंकि जैसा कि अभी आपने देखा है कि दो महीने से लगातार हम लोगों के ऊपर आघात हो रहे हैं। अभी एक आघात हुआ हमारा बहराइच में, दूसरा अभी देवरिया में हुआ। इस तरीके से लगातार आघात हो रहे हैं, अब हत्या तक बात पहुँच गई है। तो बहुत आवश्यक है हिंदुओं को, सनातनियों को जागना, एकत्र होना, अपने लिए खड़े होना, अपने लिए लड़ना, जिसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। 130वीं आरती के द्वारा भी आज भी हमने यही संदेश दिया है, यही लोगों को बताया है, उनको जगाने का प्रयास किया। जो कुतराघात हो रहा है, जुलूस पे, यात्रा पे, विसर्जन पे खतरा हो रहे हैं, आपकी महासभा क्या करने वाली है? भैया, निश्चित तौर पे हमारी महासभा एक तो लोगों को जागृत करने का प्रयास कर रही है, साथ ही अभी हमने एक ज्ञापन भी दिया है डीएम साहब को कि इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। और निश्चित तौर पर सीएम साहब से भी हमारा अनुरोध रहा है, अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आगे जो भी कर सकते हैं वो आगे करेंगे, धरना प्रदर्शन या सभी संगठनों को एकत्रित करके आगे के जो कार्यक्रम करने हैं वो करने का प्रयास करेंगे। बड़ा आयोजन बहुत जरूरी है सनातन व्यवस्था को चलाने के लिए। पिछले 11 वर्षों से हम लोग लगातार सनातन धर्म के विस्तार के लिए, सुरक्षा के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं और इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही है कि सनातन को शास्त्र और शस्त्र से मजबूत करें। और अब जो है शस्त्र भी घरों घरों तक और मंदिरों तक पहुँच रहा है और बराबर हम लोग जो है इस काम को ही आगे बढ़ा रहे हैं। शास्त्र तो हम पढ़ रहे हैं लेकिन शस्त्र से मजबूत नहीं हो रहे हैं, यही कारण है कि हम लोग जो है वो जो बार बार कुठाराघात हो रहा है, बार बार हमले हो रहे हैं हमारे ऊपर, वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि आप जो है ताकतवर नहीं हैं, आप जो है एकत्र नहीं हैं, आप एक नहीं होते हैं। इस सारे उद्देश्य को लेकर जैसे वो अपने स्थान पर इकट्ठा होते हैं, हम लोग महीने में सारा कुछ बंद करके ये उद्देश्य इस कार्यक्रम का यही है कि हम इकट्ठा हों और माँ को पूजें और साथ में हम मजबूती अपनी उनके सामने दिखाएं। और हम
निश्चित तौर पे इसका प्रयास कर रहे हैं कि भारत तभी आगे बढ़ेगा, भारत तभी भारत बनेगा जो भारत वाला भारत बनेगा, जो दांत गिनता था शेर के ऐसा भारत पैदा होता था, वो तभी होगा जब शास्त्र और सत्य दोनों से मजबूत हो। लखनऊ से हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।